हेलो एवरीवन, दिस इज़ मॉम्स लाइफ एंड फैशन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गोल्ड शॉपिंग सीरीज़ का ये थर्ड वीडियो है। दो वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल में डाले हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए क्योंकि मैं लास्ट में बताने वाली हूँ कि कौन से ब्रांडेड शोरूम में आपको सबसे सस्ता गोल्ड मिलने वाला है, कहाँ का मेकिंग चार्ज सबसे कम है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम आए हैं जॉय लुकास के शोरूम में, तो यहाँ की लेटेस्ट डिज़ाइन ज्वेलरी हम एक्सप्लोर करेंगे और उस पर मेकिंग चार्ज क्या है सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखिए, मैंने कुछ चोकर निकलवाए हुए हैं, ये सारे चोकर बिलो 50 ग्राम है और जो आप देख रहे हैं इसमें अनकट डायमंड स्टड हैं। बाद आते हैं हम नेक्स्ट डिज़ाइन में, इसमें रूबी और एमराल्ड स्टड हैं और इसमें जाली वर्क किया गया है और ये 40 ग्राम का चोकर है, बट इसमें मेकिंग चार्ज बहुत ही ज़्यादा था। इसका मेकिंग चार्ज 30% ये बोल रहे थे, बट बार्गेन करने के बाद ये 24% पे देने को रेडी हुए, बट 24% भी थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है। और नेक्स्ट है ये चोकर, इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक है और इसमें कोई स्टोन नहीं लगा हुआ है, ये प्योर गोल्ड का है। इसका वेट है 52 ग्राम और इसका भी मेकिंग चार्ज 20% था आफ्टर बार्गेनिंग। नेक्स्ट है टेम्पल डिज़ाइन चोकर, इसमें सामने के दो टेम्पल डिज़ाइन हैं और ये साइड वाला स्टोन वर्क है और लास्ट वाला एंटीक पे है। तो जो टेम्पल वर्क चोकर हैं उसमें स्टोन स्टड हैं और पर्ल भी हैं और ये मैं पहन के दिखा रही हूँ आपको। टेम्पल ज्वेलरी, टेम्पल चोकर, इसमें पर्ल लगे हुए हैं और स्टोन भी हैं। इसका वेट था 60 ग्राम और इसमें भी मेकिंग चार्ज अब 25% था। देखिए स्टोन स्टड ज्वेलरी में वो पूरा प्राइस ब्रेकअप करके बताते हैं कि कितने ग्राम स्टोन है, कितने ग्राम गोल्ड है और कितना मेकिंग चार्ज है। और ये देखिए कितने क्यूट क्यूट ग्लास और कटोरी हैं गोल्ड की। जो कटोरी आपको दिख रही है छोटी सी, ये 20 ग्राम की है और ये ग्लास, एक ग्लास 30 ग्राम का था और एक 40 ग्राम का है। जॉय लुकास के बाद हम जाएंगे मालाबार में। मालाबार गोल्ड शॉपिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी एक डाला हुआ है, अब हम मालाबार की दूसरी ब्रांच में जा रहे हैं। ये मालाबार की दूसरी ब्रांच है, यहाँ पर हम कुछ और न्यू डिज़ाइन एक्सप्लोर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। So these are the latest designs. Please have a look. ये प्योर गोल्ड में है, ये वाला पीस तो मुझे बहुत बहुत ही पसंद आ गया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसमें लक्ष्मी माता का ये एंटीक फिनिश के साथ है डिज़ाइन और इसको मैं ट्राई करने जा रही हूँ। ये देखिए कैसा लग रहा है वेयर करने पे। और इसका वेट है 52 ग्राम और इसमें स्टोन भी लगे हुए हैं छोटे छोटे और ये भी बहुत ही डेलिकेट डिज़ाइन है। 52 ग्राम के साथ इतना हैवी लुक आ रहा है ना, सो थोड़ी डेलिकेट है। और ये डिज़ाइन भी एंटीक पे है, ये भी अंडर 40 ग्राम से थी। और इसका डिज़ाइन देखिए थोड़ा ब्लैक ब्लैक है ना, वो एंटीक फिनिश कहलाता है। ये भी एक और डिज़ाइन है उधर और ये प्योर गोल्ड में है। अब मैं प्योर गोल्ड डिज़ाइन वेयर करके आपको दिखाऊंगी और साथ ही साथ बताऊंगी कितने ग्राम का है और कितना मेकिंग चार्ज है। सो लेट्स स्टार्ट। और ये पहला डिज़ाइन है, 23 कैरेट प्योर गोल्ड में है और इसमें कोई भी स्टोन नहीं लगा है। इसका वेट है 52 ग्राम और इसका मेकिंग चार्ज है 14%। नेक्स्ट इसका वेट है 42 ग्राम और इसमें छोटे छोटे पर्ल्स दिख रहे हैं रेड एंड ग्रीन कलर के, दैट्स वाई इसका मेकिंग चार्ज बढ़ के 17% हो गया है। ये देखिए। और नेक्स्ट है ये डिज़ाइन, बहुत ही प्यारा और क्यूट डिज़ाइन है और इसका वेट सिर्फ और सिर्फ 36 ग्राम है और इसका मेकिंग चार्ज बहुत ही कम, बहुत ही रिजनेबल था, ओनली 11.9% मेकिंग चार्ज।
देखिए इसका लुक कैसा आ रहा है। नेक्स्ट डिज़ाइन है, इसका वेट है 47 ग्राम और इसमें भी पर्ल्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, जैसे आप देख रहे हैं जिसमें भी पर्ल्स और स्टोन लगे होंगे उसका मेकिंग चार्ज ज़्यादा होता है। जैसा कि आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले रहे हो तो स्टोन वाली ज्वेलरी लेना अवॉइड करो, और मेकिंग चार्ज जैसे मैंने बोला था मेकिंग चार्ज में सबसे कम मालाबार में लगा, और आप मेकिंग चार्ज में जहाँ भी जाओ अच्छे से बार्गेनिंग करो क्योंकि, और अगर डिज़ाइन आपके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस है तो डिज़ाइन तीनों में ही बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे, जहाँ से पसंद आए आप वहाँ से ले सकते हो। दैट इज़ टोटली योर कॉल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।